नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का जीव विज्ञान अध्याय 5 वंशगति और विविधता के सिद्धांत भाग 2। इसका एक वीडियो पहले बता दिया था, तो उस वीडियो में हमने पढ़ा था मेंडल के नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, एक प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रक्रम में आगे बढ़ते हुए आगे जो क्वेश्चन है वो है प्रभाविता और अप्रभाविता। प्रभाविता और अप्रभाविता, अगर इंग्लिश में बात करें तो डोमिनेंस और रिसेसिव। प्रभाविता का मतलब होता है जो मेंडल ने 2 लक्षण लिए थे, उन लक्षणों में क्या था, एक लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता था और दूसरा लक्षण छिप जाता था। जैसे उन्होंने लक्षण लिए थे मेंडल के पहले नियम के अनुसार, उन्होंने जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा, दो लक्षण लिए थे लंबा पौधा और बौना पौधा। और जब उन्होंने इसकी क्रॉसिंग कराई तो उन्होंने देखा कि जो पहली पीढ़ी थी F1 जनरेशन जो थी, उसमें क्या हुआ, सारे के सारे पौधे लंबे थे, यानी जो बौनापन का करैक्टर था, बौनापन का लक्षण था, वो क्या हुआ, छिप गया। तो यहाँ पर जो लक्षण छिप गया वो अप्रभावी लक्षण और जो लक्षण दिखाई दिया वो प्रभावी लक्षण, यानी लंबे पौधे का लक्षण जो था कैपिटल टी किस पर, स्मॉल टी पर क्या था, प्रभावी था। ठीक है, तो जो लक्षण दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छिप जाता है लेकिन अगली जनरेशन में वो पुनः आ जाता है, उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। इसमें क्या, इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी होता है, और अप्रभाविता में क्या है, इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से छिप जाता है, तो ये वाला कारक प्रभावी होगा और ये कारक अप्रभावी होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस। इंग्लिश में बात करें तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या है, मोनोहाइब्रिड में एक ही लक्षण के 2 विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है, जबकि द्विसंकर में क्या है, 2 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक ही लक्षण के विभिन्न गुणों का अध्ययन जबकि द्विसंकर क्रॉस में क्या है, 2 विपरीत लक्षणों का अध्ययन, 2 विपरीत लक्षणों का अध्ययन इसमें करते हैं। और इसके बाद ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी या विषम युग्मनजी हो, और द्विसंकर क्रॉस में ऐसा जीव जिसमें 2 जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न होता है। इसमें क्या है, इसमें ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मनजी हो और इसमें युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वह है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो, जैसे मनुष्य में पाए जाएंगे तो मनुष्य में क्रोमोसोम हैं 46 यानी 23 पेयर्स,
जिसमें मेल में होते हैं 22 जोड़े ऑटोसोम। और एक जोड़ा क्या होगा, लिंग गुणसूत्र। इसी प्रकार फीमेल्स में होते हैं, फीमेल्स में 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। मेल्स में ये 22 जोड़े एक्स एक्स और ये एक्स एक्स, ये आपका मान लीजिए 23वां जोड़ा है मेल का, तो ये होगा एक्स बाई, तो ये हो गया मेल। जबकि फीमेल में 22 जोड़े एक्स एक्स होते हैं और 23वां जोड़ा भी एक्स और एक्स होता है, ये होगी फीमेल। इस टाइप से मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण के समय 22 जोड़े तो जाएंगे, 22 गुणसूत्र ऑटोसोम मादा से या फीमेल से, 22 ऑटोसोम किससे जाएंगे, फीमेल से, और 22 ही जाएंगे मेल से, ठीक है। मिलकर ये कितने हो जाएंगे, 44 गुणसूत्र। जबकि मनुष्य में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र। तो इसके बाद 22-22 इनको ऑटोसोम जाएंगे, 44 गुणसूत्र हो गए, और एक एक उनका जाएगा लिंग गुणसूत्र, यानी एक लिंग गुणसूत्र इससे जाएगा, एक लिंग गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र जाएगा मेल से। अब जो लिंग गुणसूत्र हैं इनमें 23वां जोड़ा कैसा है, एक्स और एक्स, और मेल में कैसा है, एक्स और बाई। लिंग गुणसूत्र फीमेल्स में कैसा है, एक्स एक्स, और मेल्स में कैसा है, एक्स और बाई। अब 22 जाएंगे ऑटोसोम मादा से और 22 जाएंगे नर से, लेकिन 23वां जोड़ा इसमें से या तो ये या ये, दोनों में से एक गुणसूत्र, और इसमें से भी या तो ये, और दोनों में से एक गुणसूत्र जाने के बाद में 22 और 22 44 हो गए, एक इसमें जाएगा 45 और एक इसमें जाएगा 46, या तो ये या ये। यदि इनमें से ये जोड़े तो समान है, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि इनमें से ये एक्स गुणसूत्र जाता है तो होने वाली संतान पुत्री होगी, और यदि बाई जाता है तो पुत्र होगा। मेंडल के नियम के अनुसार देखते हैं, एक्स और एक्स यदि इन दोनों की क्रॉसिंग होगी तो पुत्री एक्स और बाई ये पुत्र हो गए। उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स और एक्स यानी पुत्री हो गई, और ये एक्स और बाई यानी ये कैसे हो गए, ये पुत्र। तो 50% पुत्री हो सकती हैं और 50% पुत्र हो सकते हैं। जब एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंग गुणसूत्र इनमें से जाएगा, इनमें से चाहे ये जाए या ये जाए, ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेल्स में से ये वाला एक्स जाता तो पुत्री होगी और ये वाला अगर बाई जाता तो पुत्र होगा। इस टाइप से, इस तरह से मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, ये जैसे मेंडल ने बताया प्रथम नियम कि जब दो विपरीत कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉसिंग कराते हैं तो एक लक्षण दिखाई देता है F1 पीढ़ी में और दूसरा छिप जाता है, यानी एक लक्षण जो है वो दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है और वो उसको छिपा देता है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसमें जब दो कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉसिंग कराई जाती है तो पहला लक्षण जो है वो दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, यानी मेंडल के नियम का सही से पालन, पूर्ण रूप से पालन नहीं करता। जैसे एक पौधा है हमारा गुलाबांस, गुलाबांस इसका वनस्पतिक नियम है मिराबिलिस जलापा, जब मिराबिलिस जलापा की लाल और सफ़ेद रंग के पुष्पों की क्रॉसिंग कराई जाती है तो जो F1 जनरेशन आती है
वो मेंडल के अनुसार लाल आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें आती है पिंक, कैपिटल आर ये इसके लाल पुष्प हैं और स्मॉल आर ये होगा इसके सफ़ेद पुष्प। जब इनकी क्रॉसिंग कराते हैं ये सारी की हिस्सा कराएंगे, मेंडल के अनुसार ये सारे पौधे F1 जनरेशन रेड आनी चाहिए थी, F1 जनरेशन, लेकिन मिराबिलिस जलापा या गुलाबांस में ये F1 जनरेशन के पौधे गुलाबी होते हैं, यानी लाल रंग सफ़ेद रंग पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, लाल रंग सफ़ेद रंग पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है और सारे पौधे कैसे हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं। लेकिन जब F1 जनरेशन की क्रॉसिंग कराते हैं F1 जनरेशन की क्रॉसिंग नहीं इसकी कराएंगे सेल्फिंग, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे, तब यानी ये सफ़ेद पुष्प वो लाल पुष्प आ गई है, ये हमारे लाल पुष्प, ये गुलाबी और ये सफ़ेद, जबकि यहाँ पर लाल और सफ़ेद होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 50% कैसे हो गए, 50% गुलाबी पौधे होगा, गुलाबी पुष्प वाले पौधे हो गए। तो इस तरीके से अपूर्ण प्रभाव हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन किसी जीव या पौधे में होने वाले अचानक परिवर्तन, किसी जीव या पौधे में अचानक होने वाला परिवर्तन। ये क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन, किसी जीव या पौधे में अचानक होने वाला परिवर्तन। ये जीनोटाइप भी हो सकता है, जीनोटाइप, और ये फीनोटाइप भी हो सकता है। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों हो सकता है। इसकी खोज करी थी ह्यूगो डी ब्रिज ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन की खोज करी, किसी जीव में या पौधे में अचानक होने वाला परिवर्तन। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों प्रकार से हो सकता है। इसके बाद में आता है जीनोटाइप तथा फिनोटाइप। जीनोटाइप तथा फीनोटाइप, किसी पेड़ पौधे की बाह्य आकृति, जैसे उसका कलर रेड है या वो पिंक है, ये क्या कहलाता है, फीनोटाइप। जैसे मेंडल का जो प्रथम नियम था उसमें उन्होंने करैक्टर लिए लाल और उन्होंने करैक्टर लाल सफ़ेद लिया या लंबा और बौना लिया, लंबा और बौना, तो ये लंबा बौना करैक्टर जो थे वो कैसे थे, फीनोटाइप। लेकिन जब इनके लक्षणों की बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया, ये जीन हो गए, कैपिटल टी लंबे पौधे का जीन हो गया और स्मॉल टी बौने पौधे का जीन हो गया। तो इस प्रकार से बाह्य आकृति को देखकर, बाह्य आकृति स्वरूप जो होता है वो क्या होता है, फीनोटाइप, और जब इसके जीन की बात की जाए तो ये होता है जीनोटाइप।
इसके बाद है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्र विकार का मतलब यह है कि मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46। अगर ये 46 प्लस 1 हो जाए यानी 47 हो जाए तब भी गुणसूत्रीय विकार हो गया, और ये 46 माइनस 1 हो जाए यानी 45 हो जाए तब भी ये गुणसूत्रीय विकार हो गया। यानी कि फिर ये मनुष्य तो है लेकिन ये पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं है। तो इसमें सबसे पहला आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये मोस्टली बीमारी जो होती है ये जन्मजात बीमारी है और बच्चों में होती है। और इसमें क्या है, इसमें 21वें में जैसे 21वां जोड़ा एक्स एक्स है तो इसमें एक एक्स प्लस होगा यानी 21वें जोड़े पर 3 गुणसूत्र होंगे तो ये हो गए 47 गुणसूत्र। ये शिशुओं में होगा और इनका सिर जो होगा वो गोल होता है और त्वचा खुरदरी होती है, जीभ मोटी होती है, इसे मंगोलियन जड़ता भी बोलते हैं। और इस टाइप के बच्चे 15-16 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें से लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। यानी 23वां जोड़ा क्या होगा स्त्रियों में एक्स एक्स, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है लास्ट में ये एक गुणसूत्र नहीं होता, 23वें जोड़े की जगह बस केवल एक गुणसूत्र होता है, एक एक्स की इसमें कमी होती है। इनका क्या है, जैसे 44 प्लस एक्स होते हैं यानी 45 गुणसूत्र होते हैं, इनका कद छोटा होता है और इनके जननांग जो हैं वो अल्प रूप से विकसित होते हैं। इस प्रकार इनको कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। इसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इनमें लिंग गुणसूत्रों में से 3 गुणसूत्र एक्स एक्स बाई होते हैं, जैसे लास्ट का जोड़ा जो होगा 23वां जोड़ा वो क्या होगा एक्स एक्स और बाई, यानी इसमें मेल के गुण भी और फीमेल के गुण भी दोनों होते हैं, जैसे एक्स एक्स फीमेल हो और ये मेल, तो बाई गुणसूत्र के कारण इनके टेस्टिस या वृषण तो होते हैं सामान्य पुरुषों जैसे होते हैं, लेकिन अतिरिक्त एक्स और बाई गुणसूत्र की उपस्थिति होती है इसलिए इनके कारण वृषण तथा अन्य जननांग छोटे होते हैं और उनमें शुक्राणु भी नहीं बनते। तो ये होते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो इस प्रकार से बच्चों जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने इस चैप्टर के समझा दिए हैं, और जो इसकी पीडीएफ है जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।